बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। H&M Enterprises के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ ज़ीना सरफराज़, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने बहुत ही वैल्यूएबल क्लाइंट मिस्टर उस्मान रफ़ी के साथ, और उनसे जानते हैं कि उनका H&M के साथ ये सफ़र किस तरह से स्टार्ट हुआ और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आइए जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने कब सोचा कि आपको सोलर पर स्विच करना है? सोलर पे स्विच करने का तो पिछले साल से माइंड बन रहा था, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से और कुछ रिसर्च करते करते एक साल गुजर गया और फाइनली फिर मार्च के अंदर मुझे फाइनल किया सोलर जाना चाहिए। ओके, क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो आपने H&M को ही क्यों प्योरिटी दी और इसकी तरफ आने का मेन मकसद क्या है? मेरे ख्याल में जितनी भी कंपनीज हैं सारी प्रोडक्ट्स, इन्वर्टर, सोलर प्लेट, बाकी सब चीज़ें मेरा ख्याल है कि सेम ही शायद लगा रही हूँ जो, लेकिन मेन चीज़ मेरे लिए कंसर्निंग थी वो थी आफ्टर सेल सर्विस। Okay. और मेरे कई दोस्तों ने भी H&M से लगवाया था, उन्होंने बहुत रिकमेंड किया था, बहुत क्लोज मेरे फ्रेंड्स थे और okay. बहुत सेटिस्फाइड थे आफ्टर सेल सर्विस से और रिस्पॉन्स से, तो मेरे लिए भी ये चीज़ बहुत मैटर करती थी okay. तो इसलिए फिर H&M की। ओके, तो जब आपने फाइंड आउट कर लिया कि आपने डिसाइड कर लिया कि ये प्लेटफॉर्म आपको चूज़ करना है, तो हमारे जो सोलर एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा रहा और आपके माइंड के जितने भी क्वेश्चन? बहुत अच्छा था, बहुत क्वेश्चन थे मेरे माइंड के अंदर जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेरे डाउट्स क्लियर किए, और जितने भी मेरे क्वेश्चन थे उन्होंने हर चीज़ का प्रॉपर उन्होंने लॉजिकली आंसर करके उन्होंने मुझे सेटिस्फाई किया। क्योंकि नॉर्मली इस चीज़ को जो है वो कंसीडर किया जाता है कि ये किसी जनरेटर या UPS का अल्टरनेट है, आम लोगों में ये चीज़ इतनी क्लैरिटी नहीं है कि सोलर का एक्चुअल क्या मतलब है। बेसिकली सोलर का एक्चुअल जो यूज़ है वो है आपकी कॉस्ट सेविंग, बिजली की आपकी exactly. जो बिल्स के अंदर है उसके अंदर कमी लेके आना। तो मुझे आपकी टीम ने बताया था कि मेरे घर में जितने यूनिट्स चलते हैं उसके लिए 10 किलोवाट का जो सिस्टम है वो काफ़ी रहेगा, और उसके बाद से अब तक मेरे कोई 7-8 माह हो गए हैं और मेरा वाकई बिजली का बिल बिल्कुल जीरो। अगर अप्रॉक्सीमेटली कोई आप फिगर बताना चाहें कि कितना सेव किया है आपने पहले वापटा से और अब? हमारे घर का जो एस्टिमेटेड इन दिनों में जून जुलाई में जो बिल आता था वो तकरीबन 1 लाख रुपए आता था, ये पिछले साल की बात बता रहा हूँ। अब तो बिजली की कॉस्ट भी बढ़ गई है और टैक्सेस भी बढ़ गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर अभी मैं वापडा के ऊपर वही सब कुछ चला रहा होता तो मेरा ख्याल है कि 1.5 से 2 लाख तक मेरा बिल वापडा पे होता जो अब मंथली सेव हो रहा है। Which is very good thing कि आप monthly जो है वो approximately 1.5 के करीब जो है वो सेव कर रहे हो, तो आफ्टर सेल सर्विसेज और इन बल्कि मैं पूछा चाहूँगी कि इन प्रोसेस हमारी टीम का जो रिस्पॉन्स था और काम करने की जो था वो कैसा रहा? अच्छा था, जो टाइम जिस दिन का जो कहा था उस दिन वो चीज़ हुई है, जिस दिन की कमिटमेंट जिस चीज़ के बारे में की थी, इंस्टॉलेशन के बारे में या इवन ग्रीन मीटर के बारे में इन्होंने कहा था कि 40-45 डेज लग जाएगा, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और विद इन 40 डेज वो मीटर भी लग गया था, और कोई ऐसे नहीं करना पड़ा कि बहुत पीछे नहीं पड़ना पड़ा कि बार बार फोन कॉल्स नहीं करनी पड़ी, बहुत स्मूथली सारा प्रोसेस हो गया। ओके, एंड आफ्टर सेल सर्विसेज से आप सेटिस्फाइड हैं? वो तो आपको बताया है कि 100%। ओके, अगर आप किसी को रिकमेंड करना चाहें? बिल्कुल 100% H&M को रिकमेंड करता हूँ, और इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज जो मेरा ख्याल है कि काफ़ी प्लस पॉइंट है। ओके, थैंक यू सो मच। और H&M की हमेशा कोशिश रहती है कि वो अपने क्लाइंट्स को फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करें, और कोई भी आपको मसला ना है जब आप हमारे पास आ जाएं तो उसके बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। आई होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और मज़ीद इस तरह की किसी और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।